ठीक है सर, आपका नाम क्या है पहला तो? मेरा मैथ्यू। मैथ्यू सर, आपके जो एक स्कूल है एमजीएम स्कूल और धार्मिक स्थल भी है और आसपास कॉलोनी भी है, तो आप बताएं अवैध जो दारू बिक रही है इस पर आपका क्या कहना है? दारू ऐसा अवैध बनना भी नहीं चाहिए, बिकना भी नहीं चाहिए। अच्छा, पर सारे समाज में उसकी असर पड़ता है जी। तो जो ये अवैध काम कर रहे हैं इन पर प्रशासन का रोक क्यों नहीं लग पा रहा है? प्रशासन को करना चाहिए, वो क्यों नहीं करना चाहिए ये अपनों को मालूम नहीं है। अच्छा अच्छा, जो इससे दारू जो अवैध बिक रही है और पी रहे हैं यहाँ से, या आपके स्कूल के बच्चे या आपके चर्च में जो लोग आने वाले हैं इनको उसमें कठिनाई आती है? हमारा चर्च में हमारा स्कूल वाला कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं है। नहीं नहीं, मतलब इस स्कूल में जैसे चर्च में आपके आते हैं लोग बाग और आपके स्कूल में बच्चे पढ़ने आते हैं तो उनको महक वगैरह जो आती होगी, उससे परेशानी तो होती होगी, होता होगा है ना? तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं प्रशासन से? बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए ना, अवैध काम जो हो रहा है या वो अवैध जो दबल बिक रही है ये बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए। ठीक है सर, धन्यवाद। उस कॉर्नर से ले लो, नहीं वो शॉट इधर आना चाहिए, चार्जर से कहीं दूर कहीं कचरा दूर के लिए अवैध होता है यहाँ पे ना। हाँ हाँ, अपने को आइडिया नहीं है सर, कई भी आप ये बतलाएं कि प्रताप नगर के अंदर अवैध दारू बिक्री और वो जो है परोसी जा रही है, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, इसमें ऐसा है कि शाम के टाइम तो बहुत भीड़ लगती है मैदानों में, दूसरी बात निकलने बच्चे निकलते हैं स्कूल जाते हैं तो परेशानी है, दूसरी बात ये है कि वहाँ से निकल नहीं सकते हैं अपन, अगर निकलते हैं तो छेड़खानी ये वो दारू पीने वाले जो है बैठे रहते हैं शाम के टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा परेशानी है, प्रभाव बहुत पड़ रहा है बच्चों पर, बहुत प्रभाव पड़ रहा है। अच्छा, और बदबू भी बहुत आ रही है। अच्छा, मतलब काफ़ी बहुत परेशानी आ रही है। अच्छा, ये महिला और बच्चे जो स्कूल के लिए निकलते हैं तो इनके लिए मतलब क्या कठिनाई होती है यहाँ पर? कठिनाई ये होती है कि बदबू उड़ती है भयंकर। अच्छा हाँ, उससे परेशान होते हैं। और ये बच्चे जैसे स्कूल जाते हैं तो ये इनको मतलब किस किस कदर का सामना करना पड़ता है इनको? बहुत मतलब कदर का क्या है कि परेशानी हो रही है बहुत, दूसरी बात ये है कि मतलब निकल नहीं पाते हैं क्योंकि डरते हैं दारू पीने वाले बैठे हुए हैं पकड़ नहीं लें, इस वजह से चमकते हैं। प्रशासन इस ओर कार्रवाई क्यों नहीं कर पाता है? आपने कभी प्रशासन से पूछा है कि बिहार प्रताप नगर में अवैध जो दारू बिक रही है हो रही है, या आपने मोहल्ले वालों ने कभी एक ज्ञापन वगैरह या कुछ शिकायत वगैरह करी क्या? देखो, अभी तक तो कोई शिकायत करी नहीं है, और अभी शिकायत करी है ऐसे, बाकी कार्रवाई चल रही है। तो आप क्या चाहते हैं कि इस वार्ड से, इस क्षेत्र से अवैध निर्माण बंद होना चाहिए? बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए, सब हटना चाहिए, अवैध दारू सब हटना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया भाई। अब क्या कर देगा पीपी ना होता है, नरोल बाची करे पीपी के बाद या है और कहीं काली गुप्ता करे तो अनशन। तो ये दारू बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होनी चाहिए, बस होनी चाहिए, होनी चाहिए नहीं दारू बंद।